तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रही है सुबह और बहुत दिनों के बाद मुझे कोई अच्छा नाश्ता मिलने वाला है। तो क्या है वो नाश्ता? अच्छा सा उपमा। मुझे उपमा भी मिलता था ना, बहुत मतलब अजीब होता था वो। तो अभी मैं करता हूँ फिलहाल इसको गर्म और फिर खाएंगे। सबसे पहले हाथ धो लीजिए। मैं हाथ धो के आ रहा हूँ, आप भी जाके हाथ धो के आओ। कल हमारा वीडियो होने वाला था प्रीमियर, पर वो नहीं हुआ। रात के 12 बजे तक देख रहा था पर नहीं हुआ वो। मैंने इंटरनेट भी ऑन रखा था, मैं भी यूट्यूब भी देख रहा था। पर अभी एक काम करता हूँ, अभी मैं नॉर्मली अपलोड कर देता हूँ, या तो बहुत लंबा गैप पड़ जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है, वीडियो रेडी है पर मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपलोड कर देता हूँ उसको। तो अभी हो रहा है मेरा वीडियो भी अपलोड। यहाँ से देखते हैं कितने हो गए। 1 सेकेंड, 61% अपलोड हो चुका है वो ऑलरेडी। मैं सीधा इस बार यूट्यूब से ही अपलोड कर रहा हूँ, वो तो हो जाएगा अभी, उस पर तो कोई डाउट नहीं है हमको। पर यार अभी क्या करें, अभी कोरोना वायरस के लिए सब लॉकडाउन है, तो अभी हम बोर हो रहे हैं बैठ बैठ के घर पे। तो इसीलिए ना मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्विज आए, उसमें से मैं एक आपको दे रहा हूँ ये वाले वीडियो में। तो अभी मैं वो वाली क्लिप डाल दूंगा, क्योंकि ऐसे मैं फ़ोटो कैसे ऐड करूँ मुझे पता नहीं है, सब एडिटिंग इतना मुझे आती नहीं। मैं इसके आगे वाली क्लिप में आपको फोटो दिखा दूंगा, तो देख लो फिर। अभी आपको करना क्या है, उसके आंसर में जो सीरियल ही मतलब उसमें नंबर्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, तो वो बेसिकली वो क्विज है गेस द कंट्री का। वहाँ पे व्हाट्सएप की इमोजीज है, उससे आपको कंट्री गेस करना है। मैं आपको इसका आंसर दूंगा अगले वीडियो में। तो आपको जितने आते हैं ना, आप मुझे कमेंट करके सीरियली दे दो। उसके अंदर, उसके ऊपर ऊपर नहीं, उसके पहले सिर्फ नंबर लिखना है आपको। समझो फर्स्ट का आंसर आप दे रहे हो, तो फर्स्ट डॉट और फिर उसका आंसर। मैं आंसर आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जितने मुझे पता है। मैंने ऑलमोस्ट सारे दे दिए, 2-3 मिनट से छूट गए। वो अगर आप बता सको तो बता दीजिएगा। अभी मेरी तरह बोर हो रहे हो? अभी हम होम क्वारंटाइन है, इसीलिए करना कुछ नहीं है यार। बस आप एक काम करो, अपना एक रूटीन बना लो बस। तो बस नहीं, मेरा रूटीन क्या है, मैं सुबह उठता हूँ 9 बजे, 9:30 बजे, फिर उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद करता हूँ नाश्ता, फिर मैं थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, फिर फ़ोन के पास जाता हूँ, फिर वापस टीवी देखने के लिए आता हूँ। तब तक बज जाते हैं 12। 12 बजने के बाद 12:30 को लंच लंच करता हूँ, उसके बाद लंच उसके बाद क्या करता हूँ, लंच करता हूँ, उसके बाद वापस थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, फिर फोन लेता हूँ। वैसे करते करते बज जाते 2:30 बज जाते, वैसे करते करते फिर मैं करता हूँ ये मेरे पीछे वाले टेबल पे पढ़ाई। जब सब सो जाते हैं 3 बजे, 3:30, 3 से लेके 4 बजे तक, या फिर 3:30 से लेके 4 बजे तक पढ़ाई करता हूँ यार, पढ़ाई करता हूँ, फिर वापस टीवी के जाता हूँ, तब चाय पीता हूँ, फिर टीवी के पास जाता हूँ। टीवी देखने के बाद फिर वापस एडिटिंग करता हूँ वीडियो की, जो भी मैं बना रहा हूँगा। फिर एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है, मतलब मेरी एक एक एडिटिंग यार 3-3 बार करनी पड़ती है। और एक तो गलती कर ही थी मैंने प्रीमियर का ऑप्शन चूज करके, मेरे पिछले वाला वीडियो को 3 बार उनको अपलोड करना पड़ा, चौथी बार अपलोड हो रहा है अभी। तो ठीक है, एक रूटीन आपको जैसे आपको आपका रूटीन पसंद है वो वैसा रूटीन आप चूज़ कर लीजिए। मेरे पास तो लैपटॉप भी है पर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ मेरा लैपटॉप, क्योंकि उस पर इंटरनेट नहीं है यार, बहुत पुराना लैपटॉप है मेरा। उसको आइडिया का 3G का मॉडेम लगाना पड़ता है, या फिर
यूएसबी से मैं कनेक्ट करके इंटरनेट लगा सकता हूँ, देखते हैं। और उससे भी हमें वो भी साइन इन नहीं है शायद, साइन इन होगा मेरी अगर ये वाली इससे मैं अगर कनेक्ट करूँगा तो साइन इन हो जाएगा ऑफ कोर्स, होना पड़ेगा यार उसको। हाँ तो ठीक है, ऐसे ही आप एक रूटीन सेट कर लीजिए फिर आप बोर नहीं होगे मेरी तरह। मेरा तो दिन कब कहाँ चले जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। और पता है गर्मी की वजह से रात को नींद भी नहीं आती यार, तो लेट तक जागा हुआ रहता हूँ इसीलिए लेट उठता हूँ। ओके तो वो तो हो गई मेरी कहानी। आपका रूटीन भी अगर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो तो बता दो, और इस वीडियो को लाइक कर दो मेरे सजेशन की वजह से। जल्दी से जल्दी लाइक करो, हो गया लाइक। तो अभी मैं आपको मिलता हूँ, कब मिलता हूँ, दोपहर को शाम को देखते हैं। धूल भी साफ करना पड़ेगा मुझको, धूल ऐसी नहीं है ज़्यादा क्योंकि इतना सारा सामान पड़ा है। ये सामान को मैं रख देता हूँ ये वाले टेबल पे ताकि ये पूरा टेबल मुझे मिल जाए। और मैं वापस मेरे निकलने आ रहा हूँ, मैं अपना लैपटॉप यहाँ पे वहाँ पे चार्जर फिक्स करूँगा ये वाले प्लग में, फिर नीचे रख दूँगा माउस और कीबोर्ड, ऐसा होना चाहिए। मुझे लैपटॉप तो पता है कहाँ रखा है और मुझे कीबोर्ड पता नहीं है कहाँ रखा है, तो देखता हूँ अभी मुझे मिल जाएगा वैसे तो। और सब क्लीन करता हूँ, सब लगा देता हूँ, फिर मिलता हूँ। उससे मैं अपना वापस में गेम्स खेल पाऊँगा, ज़्यादा बोर नहीं होएगा मतलब मुझको। हो गया सब सेट, मैंने यहाँ से माउस और कीबोर्ड थोड़े गंदे हो गए, बैग में पड़े हुए थे इसीलिए, तो चार्जर भी लग गए। अभी इसको करते कनेक्ट, पीछे हो जाए यार गिर, नहीं, ज़्यादा से नहीं। यहाँ पे अभी इसको करेक्ट करते, कहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जा, हो गया शायद। तो वैसे ही मैं सबको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये माउस की वायर है, नीचे गिर गया। ये पीसी कनेक्ट कर देता हूँ। पूछ लेता हूँ ऐसे, तो मेरे कीबोर्ड खरीदने का ये था कि यार इसका शिफ्ट भी ख़राब है और अभी ठीक से काम नहीं कर रहा था। 11-12 मैं ही 13 साल का हूँ, मैं बॉर्न होने से पहले ही आता है लैपटॉप, तो 14 ईयर्स, हाँ तो 14 ईयर्स में तो ख़राब हो ही जाना था इसको। अभी तक सिर्फ इसका बैटरी प्रॉब्लम था तो मैंने बैटरी निकाल दी हम लोगों ने, और अभी चार्जर पे चल रहा है। तो ये भी मैंने पूछ लिया है, फिर भी एक बार इसको क्लीन कर ही लेता हूँ। कीबोर्ड को भी क्लीन करना पड़ेगा, माउस को कैसे भूल सकते हैं। चलिए अभी हो गया, अभी ऑन कर देते हैं, हो जाएगा, हो गया। अभी ऑन होने में लगेगा टाइम थोड़ा सा, तो मैं आपको ऑन होने के बाद मिलता हूँ। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं कर रहा हूँ, F5 दबाने से ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाता है, वही कर रहा हूँ मैं अभी। तो मैं अभी करता हूँ गेम चालू, CS खेलेंगे, नहीं CS:GO नहीं खेलेंगे। एक तो है मेरे पास CS की कंडीशन ज़ीरो, और दूसरी एक और काउंटर स्ट्राइक है मेरे पास, ये वाली कंडीशन ज़ीरो है, पास से दिखा देता हूँ, और दूसरी वाली सिर्फ काउंटर स्ट्राइक है। CS:GO यार इसमें नहीं चलेगी, तो इसीलिए अभी मैं इसको करता हूँ चालू गेम को। हाँ कौन सी वाली खेले, हाँ तो बेसिकली वाइट वाला जो लोगो था ना, सिर्फ काउंटर स्ट्राइक वाला, उसका एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि उसमें प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, वो अच्छा ही है, उसमें फ्यूजर बोर्ड्स कर सकते हैं
मतलब सारे जन फ्रीज हो जाते अगर आपने अभी तक कभी खेला नहीं है तो। अब जो येलो वाला था कंडीशन जीरो वाला, वो कंडीशन जीरो में नहीं कर सकते, मतलब उसमें एक फ़ायदा नहीं है। अभी मैं भी हर मैच में पहले फ्रीज और बोल्ट का बॉट्स करता था, तो अभी नहीं करता। ये मुझे पसंद नहीं ना यार, इतना पुराना लैपटॉप है, बार बार ये रैम कम होने की वजह से ऐसा होता है। मैं इसको अच्छे से चालू करता हूँ एक बार फिर। तो अभी गेम हो चुकी है चालू, और अभी यहाँ पे एक मतलब मिशन जैसा एक है ये वाला, तो हम लोग ये खेलने वाले हैं अभी। स्टेट ही खेलते हैं इजी, मैं हार्ड या फिर नॉर्मल पे नहीं खेलता। आप मेरे सेटिंग्स देख सकते हो, स्टार्टिंग मनी थोड़ा कम कर देता हूँ, 700 से स्टार्ट कर देता। सीपीयू प्लेयर ऑप्शंस एक बार सब यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट कर देते। मैं मतलब एक 1.5 महीने के बाद खेल रहा हूँ, तो मुझसे कुछ ज़्यादा उम्मीद मत करना, और मैं उतना प्रोफेशनल भी नहीं हूँ। तो अभी आप बस देखो कैसे खेल रहे हो। सिटी फोर्स मेरी हाइट बढ़ गई है तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ इस पे खेलने पे, तो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी तो ऐसे अलग लग रहे हैं, कॉपीराइट नहीं आएगा ना, वरना वीडियो हटाना पड़ेगा। मुझे नहीं, एक बार खेल खड़ा। नहीं 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 यार, मुझे नहीं मरना। अपने जो रैंडम गन मिलती है आपको F1 दबाने के बाद, अरे यार क्या हो रहा है इसको। अरे यार मेरे मैं अपना माउस पैड भूल गया ना, इसीलिए हो रहा है शायद। हाँ बराबर, मुझे खेलने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे खेलने में। नहीं यार ये। नहीं यार मैं पॉज कर रहा हूँ, मैं अपना माउस पैड लेके आ रहा हूँ, बहुत तकलीफ पैड के चक्कर में मैं मर गया। नो प्रॉब्लम, राउंड जीत गए, काउंटर टेररिस्ट विन। जो भी चला तो मैं क्या खरीदूँ, पैसे कम है पर खरीदना तो है भाई कुछ ना कुछ। हटना यार, हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आओ
क्यों मार रहे हैं? शॉट यस बट सर जो अरे मेरे पैर प्लग 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 बचा मेरे बाबा मेरी तरफ आ रहे हैं बाकी बाकी दरवाजे की आवाज है इसीलिए तो ऐसे ही मैं और दो तीन गेम खेल लेता हूँ, फिर एक लास्ट गेम में मिलूंगा आपसे। ये बहुत मजा आ रहा है और उम्मीद करता हूँ आपने भी एंजॉय किया होगा ये वीडियो। हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।